नियुक्त लैंड अलॉटमेंट के लिए बिल्डिंग पर ये एनओसी होना होता है एनओसी क्योंकि ये एमसी ज्यूरिसडिक्शन है और आपको किसने कहा कि इसको अलॉटमेंट के लिए एनओसी देने के लिए आपको किसने डायरेक्शन दिया हमने अलॉटमेंट कोई नहीं किया अलॉटमेंट करने के लिए काउंसिल इज कॉम्पिटेंट यू आर नॉट कॉम्पिटेंट आई एम आस्किंग आपको ये एनओसी देने के लिए क्योंकि क्या है एम सी ने तो परमिशन दिया है इसको फॉर रेजिस्ट्रेशन देखो अलॉटमेंट तो पहले का सीसी साहब ने किया नाउ आई एम द सीसी सो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी हम एक दूसरे के सर पे नहीं डाल सकते जिस बट वी आर लेटर नंबर इज रिगार्डिंग द सब्सिडी इन कनेक्शन यू सबमिट द कंसर्न म्युनिसिपल कमेटी डजंट हैव एनी ऑब्जेक्शन हां ये मैं पूछ रहा हूं एडमिनिस्ट्रेटर ने ये वर्ड जो है किसको पूछ के इसमें ऐसा है देखो ये जिसने भी निकाल के लाया पकड़ा ये जाता है क्योंकि इससे पहले हमें पता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया नहीं दिया क्योंकि ये जो है ये लैंड ये रोड एक्सपेंशन के पर्पज से हो या किसी अदर पर्पज के लिए हमने इसको रिजर्व रखा था ठीक अब बीच में कोई शैतानी करके ये एनओसी निकाल के ले आता है और इसमें ये भी पता करना है इसका अलॉटमेंट ऑर्डर कहाँ है काले रोल में ये अलॉटमेंट ऑर्डर की कॉपी निकाले अभी तक नहीं देखा आपने नहीं सर इसका एनओसी को यार इतना हंगामा मचा मीडिया में आपने इसको नहीं देखा सो के बैठते हो आप लोग नहीं नहीं आपको देखो ना ये देखो ना सोशल मीडिया पे कितने दिन से चल रहा है देखो ये पांच नाम लेके ना इसमें से एक नाम का जो रिलेटिव्स होगा या कोई भी होगा आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहा है ये मुझे रिपोर्ट आया है आपने उस बंदे को फाइंड आउट करके लाना है उसका हमने नौकरी खत्म करना है लैंड माफिया कर रहा है आपके डिपार्टमेंट में देखते है ना आपने इसका है ना इसमें से किस नाम का रिलेटिव जो है आपके डिपार्टमेंट में साफ कर रहे हैं वो मुझे फाइंड आउट अभी दो घंटे में चाहिए ठीक है ना और तहसीलदार साहब क्या कहना है आपका नहीं अभी तो काम बंद किया ना जी सर काम बंद किया अब तहसीलदार साहब को पता है ये पहले हमने रोड एक्सपेंस क्योंकि अभी देखो यहाँ पे अर्बन में चाहे ट्रैफिक का हो चाहे छुट्टी दूर बहुत दिन बड़े जी बहुत दिन कौन सा आज